आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज के खास कार्यक्रम में हर बार हम आपको एक नई प्रतिभा से मिलवाते हैं। इस बार एक ऐसा युवा हमारे साथ है जो आंखों में एक सपना संजोए हुए है कि देश की सबसे ऊंची चोटी पर वो देश का झंडा लहराए। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विवेक। आपने, जैसा हमारी चर्चा हुई थी, आपने एक सपना संजोया है अपनी आंख में कि सबसे ऊंची चोटी जो भी देश की, माउंट एवरेस्ट, वहां पर आप अपने देश का झंडा लहराएंगे। कैसे दिमाग में आया ये? मैम, सबसे पहले मैं थ्रो बॉल खेलता था, मतलब 2009 से मैंने स्टार्टिंग किया था। मेरा 10 नंबर पे ग्राउंड है थ्रो बॉल का, तो 2009 से मैंने स्टार्ट किया था। 3-4 साल मतलब मैंने खेला, काफ़ी मतलब नेशनल खेले, मैंने 3-4 नेशनल खेले, तो मैं उसमें काफ़ी अच्छा करने लगा था। मुझे लगा मुझे क्लाइंबिंग करनी चाहिए, मैंने बॉल क्लाइंबिंग स्टार्ट करा। उसमें मेरे 4 नेशनल हैं, बॉल क्लाइंबिंग स्टार्ट करी तो फिर मेरे को मतलब अचानक से हुआ कि मेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है, मतलब देश का झंडा फहराना है। तो मैंने बेसिक कोर्स किया उसके लिए। बेसिक कोर्स 28 दिन का होता है, मतलब वहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट जाने का जो सफर है उसका पहला कदम आपका बेसिक कोर्स जी। तो वो बेसिक कोर्स में आपके जैसे कितने युवा आपके साथ? 111 वहाँ पर, मतलब जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं वो मतलब सारी चीज़ें सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, मतलब माउंटेन में आइस में चलना सिखाते हैं, मतलब स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, मतलब सारी चीज़ें कराते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं। तो मतलब वो 28 दिन की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर एक हाइट गेन कराते हैं, मतलब 111 में हाइट गेन कराते हैं। उसमें मेरा सेकंड नंबर था, 15,800 फीट। 15,800 फीट जी। कितना वक्त लगा आपको? उसमें करीबन हम 9 बजे निकले थे तो शाम को 4 बजे तक। 9 बजे निकले और शाम के 4 बजे 15,000 फीट आपने चढ़ाई जी कर ली और सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर देश कर। अच्छा विवेक, जैसा आपने बताया कि आप थ्रो बॉल खेलते जी जी, तो ये थ्रो बॉल खेलना आपसे कब, आपने कब से शुरू किया, कहाँ कहाँ आप कंपटीशन में गए? मैम, सबसे पहला मेरा नेशनल होशंगाबाद सब जूनियर मैंने खेला था, फर्स्ट नेशनल। मैं मतलब 3 साल तो पैदल जाता था, मतलब प्रैक्टिस करने 3 किलोमीटर, आना जाना 6 किलोमीटर होता था। फिर मैं साइकिल से जाता था, इसके बाद गाड़ी से गया हूँ खेलने। तो ये पैदल और फिर साइकिल और फिर गाड़ी, गाड़ी, ये क्या कहानी है? धीरे धीरे मतलब मैं काफ़ी अच्छा करने लगा था, मतलब पापा ने फिर मेरे को गाड़ी दिलाई, फिर मैंने उसमें 14 नेशनल खेले थ्रो बॉल में। साथ साथ काफ़ी जो भी टाइम बचता था सिंगिंग करता था। अच्छा विवेक, आपने पढ़ाई कौन से स्कूल से की, कहाँ से शुरुआत हुई? पुष्पा हाई सेकेंडरी स्कूल। तो ये जो गेम आपका था थ्रो बॉल जी, यह आपने वही स्कूल से ही शुरू किया? नहीं, मैंने महर्षि दयानंद से स्टार्टिंग थ्रो बॉल की खेलना। तो स्कूल का और परिवार का कितना सपोर्ट रहता है? परिवार का तो पूरा ही रहता सपोर्ट, मम्मी पापा बहन भाई सभी का सपोर्ट रहता। हालांकि पूरी समाज वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष हैं सभी लोग सपोर्ट करते हैं समाज में। विवेक, आपने हमको बताया था कि थ्रो बॉल के अलावा भी चर्चा जैसी चल रही थी कि आप गाना भी गाते हैं जी, बड़ा ही डिफर है कि आप एक तरफ इतना हार्ड गेम खेलते हैं, दौड़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, दूसरी तरफ गाना भी गाते हैं, थोड़ा सुनाएंगे हमको? होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। बहुत अच्छे। तो आप स्पोर्ट्स और पढ़ाई और इसके अलावा आपने गाना भी सुनाया, तो ये सिंगिंग का सफर आपका कहाँ तक पहुँचा है? मेरा सिंगिंग का मतलब मैं
8 महीने मैंने सिंगिंग की इंडियन आइडल MP नगर में है, वहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑडिशन में मैं पास हो गया था, सेकंड मतलब राउंड रह गया था। तो अभी दिमाग में क्या चल रहा है? पहला लक्ष्य आपका क्या है? पहला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट जाना है, मतलब देश का नाम रोशन करना है, एक जुनून है, जाना है माउंट एवरेस्ट। तो अभी आप बेस कैंप निकाल पाए हो, जी सेकंड नंबर आए हो, हाँ, बेस कैंप तो कितने लोगों का वहां सिलेक्शन हुआ होगा? जो आगे का सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप, उसमें एक ग्रेड लाना होता है, तो मतलब जिसका एक ग्रेड आता है वो बेसिक कोर्स करता है, एडवांस कोर्स करता है, एडवांस के बाद फिर माउंट एवरेस्ट जा सकता है वो बंदा। अभी जैसे ये बेसिक हुआ आपका, जी फिर आपको ए ग्रेड लाना है, हाँ, उसकी क्या तैयारी है, उसमें क्या करना होगा? रनिंग आपको मेन बात चलना आना चाहिए, उसमें वो लोग 20 किलो का बैग देते हैं, उसको मतलब टांग के आपको चढ़ना है पूरा, तो उसमें आपको अच्छे से करना है पूरा, जो भी वो बताते हैं इंस्ट्रक्टर वगैरह वो सब आपको करना है, तब जाके मतलब ए ग्रेड देते हैं वो। डर नहीं लगता? इतनी ऊंची पहाड़ी जिसकी चोटी पर जाना है, देश का झंडा फहराना है, लेकिन मुश्किलें बहुत होती हैं, सफर इतना आसान नहीं है। कई लोगों को देखा कि आधे रास्ते से वापस आ गए, या कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जी कुछ लोगों के इंस्ट्रक्टर छोड़कर चले आए, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन जो पहुंच जाता है उसका जरूर सपना पूरा होता है। कभी डर लगा या परिवार वाले डरते हैं इन चीज़ों से? मैम, घर वाले तो डरते हैं पर फिर भी सपोर्ट करते हैं, मतलब मुझे करना है फिर भी वो सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे साथ 111 लोग थे, कम से कम आधे लोग वापस, 50 लोग ऊपर गए थे 111 में से, बाकी आधे लोग वापस, 15,800 फीट। तो ये तो 15,800 फीट की कहानी जी थी। जी माउंट एवरेस्ट की कहानी तो बहुत लंबी और बहुत बहुत बड़ी है। लंबी। पता नहीं कब सफर शुरू होता है और खत्म होने पर क्या खत्म होगा। हमारे जीवन का सफर खत्म होगा या हमारी चोटी पे पहुंचने का मैम सफर कुछ खत्म नहीं कह होगा? सकते उसमें, माउंट एवरेस्ट जाने का मतलब उसमें जान भी जा सकती है, कुछ नहीं बोल सकते। पढ़ाई अभी तक कहाँ तक पूरी हुई है? मैम मेरी 10th क्लास 10th क्लास। उसके बाद पढ़ाई को आगे अभी चल कंटिन्यू रही है। चल रही है? हाँ पढ़ाई चल रही है। तो पढ़ाई चल रही है, साथ में स्पोर्ट्स चल रहे हैं, सिंगिंग चल रही है, साथ तो में ये खेत खेत भी है। खेती भी करते हो जी आप? जी खेती भी। ये अच्छा है कि युवा जो है वो खेतीबाड़ी से बहुत दूर हट रहे हैं, लेकिन खेती भी करते हैं। जी विवेक, तो विवेक, जब आप खेती करते हो तब आपके दिमाग में क्या चलता है कि भाई ठीक है, एक सफर तो खत्म होगा, जी आप स्पोर्ट्स भी खेल लोगे, आप सिंगिंग भी कर लोगे, आप माउंट एवरेस्ट भी एक बार होके आ जाओगे, उसके बाद इन सब का नतीजा सरकारी नौकरी होगी या आप खेतों पे वापस आओगे? नहीं मैम, सरकारी नौकरी या मतलब एक एकेडमी खोलने का सपना है मेरा, किस स्पोर्ट्स तरीके, के बच्चों के लिए। तो कौन से स्पोर्ट्स उसमें होंगे, कैसी एकेडमी होगी? मैं मतलब सारे स्पोर्ट्स होना चाहिए, माउंटेन, कराटे, बॉक्सिंग, जो भी गेम है, रेसलिंग वगैरह सारे गेम, तो बैडमिंटन से आपने लेके। इनमें से कोई और गेम खेला है? थ्रो हाँ बॉल मैंने और स्टेडियम में कराटे खेलता था, मैं कराटे भी मैंने 8 महीने खेला है, तो वो मेरा घर से काफ़ी दूर था, आना जाना मेरा 16 किलोमीटर हो जाता था, फिर उसके बाद मुझे थ्रो बॉल भी खेलना होता था तो टाइम नहीं बचता था, इसलिए मैंने थ्रो बॉल कराटे वो छोड़ कराटे दिया। छोड़ दिया था TT नगर से। बहुमुखी प्रतिभा आप रखते हो, पढ़ाई थोड़ी लेट चल रही है, जी लेकिन हाँ पढ़ाई। बाकी की चीज़ें आपकी आगे जा रही हैं। माउंट एवरेस्ट पर जाना एक बहुत ही खर्चीला स्पोर्ट है, जी खर्चीला शौक है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैम, अगर जैसे सरकार ने, जैसे उसमें खर्चा 30 लाख रुपए लगता है जाने का, अगर स्पॉन्सरशिप मिलेगा तो जाऊंगा, और नहीं भी मिला तो भी जाऊंगा, नहीं, कहीं से अगर भी स्पॉन्सर करके। की मदद करे, इसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? खेल मंत्री जो हैं जीतू पटवारी जी, उनको मैं 2 बार अपना एप्लीकेशन दे चुका हूँ पर अभी तक कोई मदद नहीं हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं अगर मिला? वो मेरी मदद करेंगे तो मैं आगे जा पाऊँगा, मतलब 2020 या 21 में मेरे को माउंट एवरेस्ट जाना है। 2020 या 21 में देश का झंडा विवेक को माउंट एवरेस्ट पे लहराना है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development,
with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक ने बहुत ऊंचे सपने देखे हैं एवरेस्ट पर जाने के। उम्मीद मुख्यमंत्री जी से है कि वो शायद स्पॉन्सर कर दें तो वो पहाड़ पर बहुत आसानी से चढ़ सकेगा। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे तो समाज मदद करेगा, परिवार मदद करेगा। हमें भी लगता है कि ऐसे प्रतिभावान युवाओं को सरकार को मदद करनी चाहिए जिससे कि वो आसानी से अपने ऊंचे सपने पर चढ़ सकें। विवेक, आपने बताया कि आप जीतू पटवारी जी से एक दो बार आवेदन दिया लेकिन रूबरू नहीं मिले। कुछ नहीं, तो एक बार आप मिलिए, ऐसा लगता है कि शायद वो आपकी मदद कर पाएंगे। जी मैम, अगर मदद करेंगे तो मैं जा पाऊँगा, मतलब माउंट एवरेस्ट जा सकूंगा। विवेक, आपने जो बताया कि अभी आपने बेसिक कैंप पूरा किया है, ठीक है, सेकंड स्टेप आपको लेना है, तो वो सेकंड स्टेप के लिए अभी बीच में कितना समय है, क्या तैयारी है उसके लिए, क्या आपका शेड्यूल रहता है सुबह से लेके शाम तक का? मैम, सुबह वर्कआउट करना पड़ता है, रनिंग करना पड़ती है, मतलब 20 किलो का बैग में वजन रख के मतलब प्रैक्टिस करना रहती है। अगर एडवांस कोर्स करना है तो, क्योंकि वहाँ पे हाइट गेन कराते तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तब आपके संग शेरपा होते हैं। जी, तो कुछ मालूम है आपको एवरेस्ट पे शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या होता है, जो आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, या आपके इंस्ट्रक्टर ने बताया हो, वो हमारे दर्शकों को बताएं। इंस्ट्रक्टर बताते हैं, मतलब जो भी गया वो भी बताते हैं। पहले बेस कैम्प ले जाना पड़ता है, फिर बेस कैम्प तक कम से कम आधा हो जाता है माउंट एवरेस्ट। फिर सबसे ऊंचा होता है जो हाइट गेन कराते हैं, मतलब सुबह सुबह उसको सबमिट करना रहता है माउंट एवरेस्ट सुबह सुबह का, मतलब अच्छा होता है। शेरपा लोग जाते नहीं ऊपर, वो रुक जाते हैं बीच में, जाओ सबमिट करके आओ, देश का झंडा फिरा के आओ। तो ये कितना रोमांचक होता है, कैसा लगता है, क्या फील आती है? कभी कभी ऐसा लगा कि बहुत थक गए हैं, कहाँ फंस गए, क्यों आ गए? हाँ, ऐसा मतलब मेरे मन में तो नहीं आया, मेरे जो दोस्त हैं उनके मन में आता हो तो पता नहीं, काफी लोगों के मन में आता है। बर्फ है, बर्फ के बीच में फंसे हुए हैं, स्किन जल रही है, खाने को नहीं मिल पा रहा है, वो भी 12,000 फीट पे ऐसा हो रहा है, वो भी नीचे नहीं ऊपर, कैसे जाएंगे घर, वो किसी किसी के मन में आता है। विवेक ने शायद ये ठान लिया है कि देश की सबसे ऊंची चोटी पर मुझे जाना है, इसीलिए डर नहीं लगता, और पहाड़ पर चढ़ना विवेक को बहुत पसंद है। विवेक के साथ हमारी शुभकामना है कि विवेक जल्द से जल्द एवरेस्ट की चोटी पर अपने देश का झंडा लहराएं। हम आपके पास फिर एक नई प्रतिभा लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक,
पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।